हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी बीटन कॉफ़ी। ये कॉफ़ी बनाने की एक अलग रेसिपी है। इससे कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बनता है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बीटन कॉफ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास 3 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी है, 3 छोटे चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर है, मैं यहाँ नेस्कैफे यूज़ कर रही हूँ, और करीब 2 छोटे चम्मच गरम दूध लिया हुआ है। अब इनको एक बोल में डालकर, यहाँ पर मैंने ये इंस्टेंट कॉफ़ी डाल दिया है बोल में, और इसके बाद पीसी हुई चीनी आप अपने मनचाहे मिठास के अनुसार डाल सकते हैं, और फिर 2 छोटे चम्मच दूध डालकर इनको मैं अच्छी तरह फेटूंगी। करीब 5 से 6 मिनट के लिए इसे फेटूंगी। इसका कलर आप इस समय देख रहे हैं कि एकदम डार्क ब्राउन है, ये फेंटते फेंटते काफ़ी लाइट हो जाता है। हल्का हल्का ये देखिए रंग बदल रहा है। आप चाहें तो एक विस्कर का यूज़ भी कर सकते हैं। ये जितना अच्छी तरह फेंटा जाएगा उतना अच्छा आपका बीटन कॉफ़ी बनेगा। फेंटने से ये काफ़ी लाइट हो जाता है, काफ़ी एयरी हो जाता है, जिससे कॉफ़ी काफ़ी क्रीमी बनती है। तो यहाँ पर मैंने एक काफ़ी लंबा चम्मच यूज़ किया है फेंटने के लिए। आप बीटन कॉफ़ी बनाने के लिए इस तरह का मिश्रण तैयार करके फ्रिज में रख सकते हैं, और जब चाहे तब गर्म दूध मिलाकर आप सर्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका रंग काफ़ी बदल चुका है। इसे करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए और फिर ये थोड़ा सा मेहनत का काम ज़रूर है, लेकिन जब बीटन कॉफ़ी तैयार हो जाएगी तो इसका स्वाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको लगेगा कि आपकी मेहनत सफल हो गई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस मिक्सचर को काफ़ी अच्छी तरह फेंट लिया है मैंने। बस कुछ सेकेंड के लिए और थोड़ा फेंट लूँगी। ये जितना अच्छी तरह फेंटा जाएगा बीटन कॉफ़ी उतनी ही टेस्टी बनेगी। अब ये मिक्सचर तैयार है, तो इसे मैं 3 हिस्सों में बांटकर हर एक कप में करीब 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने बीटन कॉफ़ी का मिक्सचर डाल दिया है, और अब इसमें गर्म दूध डालकर इसे धीरे धीरे हल्के हाथ से मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना मिक्स करें, नहीं तो इसका जो हल्कापन है वो निकल जाएगा, जो फ्लफ़ीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आपको वो क्रीमी टेक्सचर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह दूध में मिक्स हो गया है।
सर्व करने के लिए हल्का सा ऊपर से कॉफ़ी का पाउडर छिड़क दें तो ये दिखने में भी बहुत टेम्पटिंग दिखेगा। बीटन कॉफ़ी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए इस तरह की और भी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए।